भाई बहस हो गई थोड़ी वहां पे, बहस हो गई थोड़ी। भाई लोग एक चीज दिखाता हूँ, ये जो टिपर के पीछे कैप्शन लिखा हुआ है ना, ये पढ़ो। तो भाई लोग पहुंच चुके हैं वॉशिंग सेंटर पे। स्कूटी हमने पीछे लगा दी है डबल स्टैंड पे। हर्षित नाच रहा स्कूटी, भाई स्कूटी चला तू, बाद में नाचना भाई। मिलते हैं आगे जाके आपको। सो हेलो YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है काफ़ी टाइम के बाद शूट हो रहा है, क्योंकि थोड़े दिन आपका भाई जो था बहुत बिजी था। मम्मी जो थे वो ब्यास गए हुए थे, भैया भी अपनी काउंसलिंग के लिए जो है यूनिवर्सिटी गए हुए थे जम्मू में, और फिर मैं अकेला था पापा के पास। पापा ड्यूटी जाते थे तो थोड़ा बिजी रहा, घर से व्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो आज जो है मम्मी ब्यास से वापस आ चुके हैं, तो सोचा आज क्यों ना व्लॉग शूट कर लिया जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था व्लॉग जो है वो नहीं आ रहा था। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्कूटी है, स्कूटी के साथ गैलन है और पीछे है साहिल। तो अभी हम जा रहे हैं पानी लाने, खलैनी नाले में। मैं आपको दिखाऊंगा, आज बहुत टाइम के बाद व्लॉग शूट हो रहा है और व्लॉग के साथ जो प्रोग्रेस देख रहा हूँ यार बहुत कम है। आप लोग जो है प्यार बहुत कम दिखा रहे हो, सिर्फ 219 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्या चक्कर है? अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बता सकते हो। अगर कंटेंट आपको जिस तरह का चाहिए आप बताइए, हम उसी तरह का कंटेंट लेके आएंगे। आज तो काफी टाइम के बाद व्लॉग आया है और होप करेंगे कि आगे भी कंटिन्यू व्लॉग आते रहेंगे। तीन तीन चार चार दिन के अंदर ही व्लॉग हम शूट करेंगे, क्योंकि दो दिन मौसम भी खराब रहा। मैंने सोचा था दो दिन पहले शूट कर लिया जाए व्लॉग। तो कुछ टाइम मैंने शॉर्ट्स डाले हुए थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब कि रिव्यू उनसे देखने को मिला। कल मैंने एक शॉर्ट डाला था उस पर 1K+ व्यूज जो आए हुए थे। तो होप करते हैं आप सबको वीडियोस अच्छी लगेंगी आगे, तो सपोर्ट करते रहना, कीप सपोर्टिंग यार। सब्सक्राइब कर दिया करो और कमेंट, जो कोई भी देखते हैं कमेंट कर लिया करो। एक कमेंट एक मोटिवेशन है और एक सब्सक्राइबर भी एक मोटिवेशन है। एक सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाता है ना तो भाई जो खुशी होती है ना, क्या बताऊं आपको। सो होप करते हैं आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी, तो बने रहिए वीडियो में। अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ जाएंगे हम, कहाँ नहीं, पानी कहाँ से लेके आते हैं। तो ये है हमारे साथ साहिल है, ये मेरा कजिन है, ये भी डोडा आया हुआ था आज, तो इसके साथ भी आपको मिलाएंगे अच्छे से। अब मिलते हैं, पहले हम वहाँ पे पहुंचते हैं, देन उसके बाद आपको दिखाते हैं। बातें ज्यादा हो गई, सो सी यू। तो भाई लोग अभी हम जा रहे हैं पानी लाने नाले में। एक्चुअली काफी टाइम से व्लॉग नहीं आया था, मैंने आपको बताया भी आगे काफी टाइम से। तो इस बार स्कूटी जो है यहीं पे छोड़ी हुई है, तो सोचा थोड़ा मोटो व्लॉगिंग के साथ साथ नॉर्मल व्लॉगिंग भी जाएगी। व्लॉगिंग तो मोटो व्लॉग हो जाएगा, तो समझ लो एक तरह की मेरा फर्स्ट व्लॉग भी है। मैं और साहिल आज पानी लाने जा रहे हैं खलैनी नाले में, बहुत मजा आएगा। साहिल ये जो है ये मेरा छोटा कजिन है, सबसे छोटा कजिन है, तो इसके साथ भी मैं आपको मिलाऊंगा वहाँ पे जाके। अभी तो ये वीडियो शूट कर रहा है क्योंकि हेलमेट तो हमारे पास है नहीं, वो वाला जिसपे कैमरा के फिक्स कर सकते हैं, तो नॉर्मल हेलमेट तो लगाए हो बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट है। अगर सेफ्टी नहीं होगी तो आप ड्राइव मत करना, क्योंकि रिस्क होता है। अगर आप सही जा रहे हैं तो अगले वाला गलत हो सकता है, तो इसलिए हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखें और सेफ्टी का ध्यान रख के हमेशा ड्राइव करें। एक तो कर्व्स जो होते हैं ना हिली एरियाज में, भाई कर्व्स ही कर्व्स है, जहां देखो वहां पूरा कर्व है। जस्ट अगर आपने पिकअप लिया, गाड़ी का स्पीड बन गई है, वैसे ही आपको कर्व आएगा। वैसे ज्यादा तेज चलना भी नहीं चाहिए भाई, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। भाई ये मैन हाईवे है, नेशनल हाईवे 244 है ये, जो नेशनल हाईवे आई थिंक सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे 44 है, जो कश्मीर टू कन्याकुमारी आई थिंक जो है उसी पे से ये अलग होता है। बटोत जगह यहाँ पे चिनैनी नाशरी का टनल है, वहां से ये नाशरी से वहां से जो है ये चेंज होता है। भाई हिली एरियाज में यही चीज आपको देखने को मिलेगी, ये दो बसेस के जो ड्राइवर थे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, ये आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ये यहीं पे यारी दोस्ती निभाओ एक दूसरे के साथ।
बाकी अगर आप हाईवे पे ऐसे करोगे तो भाई पीछे से 10 गाड़ियां आके आपको लग जाएंगी। तो वो ऐसी चीजें ध्यान में रख के करें। पहुंचने वाले भाई साहब, एक तो यहाँ पे टनल का काम लगा हुआ है ना, तो रोड की भाई हालत खस्ता है। ये देख सकते हो आप, ये देख कीचड़ ही कीचड़ है भाई साहब। गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे जहाँ पे हमने पानी भरना है। पीछे आप देख सकते हो एक गाड़ी लगी हुई है, ये पानी भर रहे हैं। ये भी डोडा से ही है जहाँ पे हमारा घर है। ऊपर एक शोरूम है वानी हैंडलूम, वहाँ पे साथ में इनकी बिल्डिंग है, तो ये पानी लेने आए हैं यहाँ पे। तो और साहिल भी साथ में, स्कूटी हमने साइड पे लगा ली है। अभी हम भरेंगे पानी एंड देन उसके बाद निकलेंगे डोडा के लिए। सुबह से जो है मैं मार्केट ही था, पहले LIC में मेरे एक भैया के फ्रेंड ने, क्लासमेट एक सचिन भैया, उनकी किस्त जमा करनी थी। देन उसके बाद मासी ने आटा मांगा था, 2 आटे की गुठियां लेके आए हम 10-10 किलो वाली। देन उसके बाद फिर आधार कार्ड जो है कशिश का, वो 3 बार रिजेक्ट हो चुका है भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पता नहीं आधार कार्ड का जो नंबर है वो हर जगह पे दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे फादर्स नेम जो था वो गलत था, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमने 2-3 बार वहाँ पे वो दे दी थी, क्या बोलते हैं उसकी जो भी डिटेल्स थी। लेकिन आज मैं फिर गया वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि आप उनको लेके आओ, हम उनके बायोमेट्रिक जो टेस्ट लेंगे, क्योंकि कह रहे थे कि हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपने कहा था कि सिर्फ फादर्स नेम गलत है। तो आज शाम को उसको वहाँ पे भी लेके जाएंगे आधार केंद्र में, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, नहीं तो न्यू आधार कार्ड बनाना पड़ेगा। और मानिक को भी लेके जाना है, उसकी कटिंग करवानी, क्योंकि हमने आज 12 है, 13-14 को हमने उधमपुर चले जाना है। उधमपुर किस लिए जाना है वो आपको उसी दिन पता चलेगा, वो भी एक सस्पेंस है, सस्पेंस रख लो या समझ लो सरप्राइज ही है एक। कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, उधमपुर से पीछे जा रहे हैं, रामनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है वो जगह, तो वो भी व्लॉग आएगा, बने रहना भाई यार, सब्सक्राइब कर देना प्लीज। सो भाई लोग, अभी हमने पानी भर लिया है, गैलन हमारी भर चुकी है आप देख सकते हैं। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि गैलन को होल्ड करना है, तो शूट नहीं हो पाएगा शायद से, कंफर्म नहीं है, देखते हैं क्या बनता है। अगर शूट हुआ तो ठीक है, नहीं तो जिस रास्ते से वहां से आए थे उसी रास्ते हमने जाना है। तो मिलते हैं अब आपको डोडा जाके, देखते हैं आगे क्या काम होता है क्या नहीं होता है। तो भाई होप यू एंजॉय, ओके। तो साहिल भाई से पूछते हैं कैसा मजा है। साहिल भाई कैसा मजा है, क्या कितना मजा है, कितना बहुत कितना बड़ा, कितना बड़ा, कितना भाई, कितना बड़ा दिखाओ, फिर से दिखाओ, कितना बड़ा, मेरे से बहुत बड़ा। चलो भाई चलते हैं अब, ठीक है। तो भाई लोग, मैंने कहा साहिल भाई कि अभी स्कूटी मोड़ते हैं उसके बाद पानी डालते हैं, बोलता कोई नहीं भाई मैं मोड़ता हूँ। तो चलो देते हैं भाई को मोड़ने स्कूटी, चला लेता भाई भी। मैंने और साहिल ने बाइक जो है एक साथ में सीखी थी, तो चलो भाई स्टार्ट कर लिया साहिल भाई ने, आराम से बाइक हमने एक साथ में सीखी थी मैंने और साहिल ने, तो बाइक तो भाई चला लेता है, स्कूटी की हैंडलिंग और बाइक की हैंडलिंग थोड़ी डिफरेंट है। तो भाई ने स्कूटी मोड़ ली है, तो भाई बस ब्रेक लगाओ अब भाई, गैलेंस इधर है, कहाँ जा रहे हो तो ओके भाई मिलते हैं हम आपको राइड पे। तो भाई लोग, आपके भाई ने लगा लिया है कवच, अपना सेफ्टी कवच जो होता है वो आपके भाई ने लगा लिया है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप टू व्हीलर राइड करते हो। तो साहिल भैया बीमार, तो ये आए थे तभी डॉक्टर के पास। तो साहिल भैया चले फिर क्या, इधर ही बैठना आज। तो भाई लोग, पानी हमने पहुंचा दिया है घर पे, फिर बालों की हालत में मत जाना, हेलमेट लगा के बालों की हालत खराब हो जाती है। पीछे साहिल बैठी है, नीचे बीमार है ये बेचारा, मम्मी पापा मॉर्निंग को, और खुशी खुशी के पेपर लगे हुए हैं, छुट्टियां पड़ जाएंगी इसको कल, इसको 10 को ही पड़ जानी थी, लेकिन इसके एग्जाम्स हैं, तो अच्छी बात है एग्जाम्स से प्रिपरेशन होती है। तो कोई ना, देखते हैं आगे क्या बनता है क्या नहीं। तो भाई लोग, अभी मैं जा रहा था हर्षित के घर, उसने फ़ोन करा, वो मेरे को लेने आया है ऊपर। एक गेमिंग वीडियो थी, मैंने वो एडिट करी हुई थी, मैंने सोचा अपलोड कर देता हूँ, थोड़ी देर मस्ती भी कर लेते हैं। तब तक मानिक के जो है बड़े पापा, ये मेरे पापा को बड़े पापा बोलता है, तो उन्होंने इसकी कटिंग करी थोड़ी थोड़ी, वो कह रहे थे कि थोड़ा बराबर करवा के आओ इसको बार्बर की शॉप पे जाके, तो इसको भी लेके जाएंगे। पहले इसकी सेटिंग करवाएंगे, ट्रिमिंग करवा के इसको वापस छोड़ देंगे, देन मैं और हर्षित फिर ऊपर चले जाएंगे। तो भाई लोग, ये है हर्षित, ये आया है अभी यहाँ पे स्कूटी लेके, शक्ल देखो इसकी तरह, ये 2-3 दिन से इसको फ़ोन कर रहा हूँ, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा, ये शक्ल देखो इसकी, ओके। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको भाई। तो भाई लोग, पीछे हो रही है शादी और हम जा रहे हैं बार्बर की शॉप पे, पहले इस छोटे की जो है कटिंग करवाएंगे,
पीछे वहाँ पे शादी हो रही थी, बैंड बाजा बज रहा था, तो भाई साहब हर्षित नाच रहा स्कूटी, भाई स्कूटी चला तू बाद में नाचना भाई, मिलते हैं आगे जाके आपको। अभी कहाँ पे बैंक में हमें पहले HDFC, क्योंकि हर्षित ने परसों जैसे पैसे निकाले थे तो ATM ही बंद हो गया, उसमें लाइट सी चली गई, तो देन उसके बाद लाइट चली गई थी उसमें, तो उसके बाद उन्होंने पैसे कट शॉर्ट कर दी, भी कट चुके हैं, मुझे पैसे निकले नहीं थे, तो दैट्स वाई अभी हम बैंक में जाएंगे, वहां पे पता करेंगे मसला क्या है। तो भाई लोग अभी हम पहुंच चुके हैं HDFC बैंक के पास, अब देखते हैं अंदर जाके क्या मसला है क्या नहीं है, तो भाई चल। भाई लोग ये हम जा रहे हैं HDFC बैंक में। भाई वेयर आर यू गोइंग, क्या है इधर, नहीं काम नहीं करोगे घर में कुछ, भाई दुखी है, 6000 कटा, कितना कटा है, चल कोई नहीं, तो अभी हम बैंक में जाते हैं अंदर। तो भाई लोग HDFC बैंक वाले ने क्राइटेरिया रखा कि विद इन 7 डेज जो है पैसा रिटर्न हो जाता है, अगर नहीं होता तो आप 7 डेज के बाद आके यहाँ पे रिपोर्ट लिखवा सकते हो, ये मेल सेंड करेंगे, देन उसके बाद आपको जो पैसे रिफंड हो जाएगा। तो अभी तो हम यहाँ से ऐसे ही जा रहे हैं, अब कल देखते हैं, अगर पैसा नहीं आया आज तो कल जो है चेक करेंगे। तो अभी जाते हैं फिर से मानी के पास, उसको हमने शॉप पे छोड़ रखा है, तो अभी जाएंगे वहाँ पे उसकी कटिंग करवाएंगे, देन फिर हम हर्षित के घर जाएंगे, वहाँ पे मौज मस्ती करेंगे। ओके भाई लोग, इसकी मुझे बाकी सारी चीजें गंदी लगती मगर इसकी एक आदत बहुत अच्छी है, ये जब भी 2-व्हीलर पे राइड करता ना ये हमेशा हेलमेट लगा के चलता है, और ये चीज मुझे इसकी सबसे मस्त लगती भाई, इस चीज के लिए भी इसको अप्रिशिएट करता हूँ, बाकी तो भाई शक्ल तो इसकी क्या ही बताऊं, इसके लाइक ठोक दो, ये कोई तरीका है भीख मांगने का, हाँ इस चीज के लिए लाइक ठोक दो, क्योंकि और मजाक छोड़ के बोल रहा हूँ, ये हर टाइम जब भी बाहर निकलता है तो हेलमेट लगा के ही निकलता है, मैं भी हर बार हेलमेट लगा के ही निकलता हूँ, ऐसी बात नहीं है, आदत डाल लो भाई लोग, आदत डाल लो सेफ्टी की, बिकॉज सेफ्टी मस्ट है, आपको पता है लोग चलान से बचने के लिए जो है हेलमेट लगाते हैं, लेकिन हेलमेट लगाओ सेफ्टी के लिए, भाई चलान का पैसा आज नहीं कल हाथ की मेल है, लेकिन जान जो है जरूरी है, जरूरी नहीं आपकी गलती हो, अगला बंदा भी गलत आ सकता है, तो सेफ्टी फर्स्ट। भाई लोग एक चीज दिखाता हूँ, ये जो टिपर के पीछे कैप्शन लिखा हुआ है ना, ये पढ़ो, अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो मैं पढ़ता हूँ, इस पे लिखा है जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे सजना, मौत का सीजन चल रहा है, वादा नहीं करते, वाह 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 वाह, भाई ट्रक ड्राइवर है ना जो, मत ही पूछो, एक नंबर शायर भाई, गाली फेल है इनके सामने, गाली फेल है। तो भाई लोग हमारे आने तक लड़की को चमका दिया भैया ने कसम से, क्या भाई चिकना लग रहा लौंडा है ना। तो भाई इसी बात पे लाइक करो सब्सक्राइब करो, सो कटिंग इज कंप्लीटेड, चल भाई। तो भाई लोग अभी हर्षित पहुंचाएगा मानिक को नीचे घर पे, नीचे से तो हम 3 आए थे, बट यार वो रूल के खिलाफ था, तो रूल तोड़ना गलत बात है, 2 अलाउड है तो 2 ही बैठेंगे, कभी कभार इमरजेंसी होती है वो बात अलग है, मैंने कहा कि तू पहुंचा दे, मैं यहाँ रास्ते में वेट करता हूँ, तो वहाँ से उसको ले पहुंचा के आ जा, तो देख तो वो जाएगा उसको लेके, तो मैं खान प्लाजा के पास रुकता हूँ, यहाँ पर वेट करूँ इनका, ये जाएंगे जा पहुंचा के आ जा, जा। तो ये अभी जाएगा इसको पहुंचा के आएगा जल्दी से, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ इसका पार वाली साइड, क्योंकि नीचे से आते टाइम वो पार वाली जो साइड है वो लेफ्ट साइड होगी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, इवन तक कि ट्रैफिक वाले भी हैं, लेकिन भाई आफ्टर लॉकडाउन इतनी ज्यादा लोगों ने गाड़ियां ले ली है ना, क्या बताऊँ आपको मैं, इतना ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे। सो गाइस फाइनली 200 साल बाद पधारते हुए हर्षित हमारे, इतना टाइम किस लगाए हुए, चल तो हम निकलेंगे यहाँ से सीधा इसके घर के लिए। ओहो यहाँ पे भी जाम, बंद हो गई गाड़ी, बंद हो गई,
अभी लड़ेंगे। बहस हो रही है, बहस हो रही है, बहस हो रही है। भाई रुक जा, पीछे से भी हॉर्न बजा रहा है। भाई बहस हो गई थोड़ी वहां पे, बहस हो गई, बहस हो गई थोड़ी। भाई कुछ पंगा ना हो जाए। चलो 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 चलो। भाई पंगा हो गया, पंगा हो गया। तो भाई ये गाड़ी नीचे से जा रही थी, वो ऊपर से आ रही थी, तो भाई इसने बोला कि भाई लोड गाड़ी थी, तुझे ब्रेक लगानी चाहिए थी, ये वो पता नहीं क्या, वट एवर। भाई क्या ही बोले, दुनिया है भाई, हर किसी को जल्दी आज के टाइम पे। भाई लड़ाई होने वाली थी लेकिन तब तक गाड़ी निकल गई, और भी गाड़ियां थी। हमारा देख के और रुक के। हाँ भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी जैसे ट्रैफिक था बहुत ज्यादा। अब देखो भाई ये ड्राइव कैसे कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी, ये गाड़ी वाला क्या कर रहा है। जाना है अंदर। हाँ बिल्कुल। तो भाई ऐसे ऐसे मसले होते रहते हैं भाई, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। 2000 years later. Okay guys, अब हम जा रहे हैं इसको छोड़ने के लिए, एंड उसके बाद हम थोड़ा स्कूटी को धुलाएंगे भी, क्योंकि स्कूटी की हालत बहुत खराब है। दो तीन दिन बारिश रही ना, तो उसकी वजह से स्कूटी की हालत खराब है। बारिश रही है और उसकी वजह से स्कूटी में बहुत ज्यादा गम जम चुकी है, तो इसीलिए हम चले, अब इसको हम छोड़ेंगे, ये घर में अब काम करेगा और हम मजे से सोएंगे। मिलते हैं आपको अब हम वॉशिंग स्टेशन पर, ठीक है, बाय। तो भाई लोग पहुंच चुके हैं वॉशिंग सेंटर पे, स्कूटी हमने पीछे लगा दी है डबल स्टैंड पे, तो अब क्या करेंगे भाई, अब हम इसको नहलाएंगे, पाड़ी नहीं करेंगे, हम इसको नहलाएंगे, पाड़ी नहीं करेंगे। चलो ठीक है, इसको धुलवाते हैं, दिखाते हैं। तो भाई लोग स्कूटी हमारी धुल चुकी है, एकदम नहा धो के मस्त बन चुकी है, देख सकते हो आप, और ये है नमूना। तो अब हम व्लॉग को यहीं पे अंत करते हैं, एंड करते हैं। तो भाई लोग आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, क्योंकि अब आगे कुछ करने को है नहीं, ये भी घर चला जाएगा, मैं भी घर निकल जाता हूँ। तो होप आप सबको व्लॉग बढ़िया लगेगा, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई लोग पैसे थोड़े लगते हैं यार सब्सक्राइब करने के, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन आएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।